तो गाइज आज घर की सफाई कर रही हूँ, ईद की सफाई सफाई सफाई। ये देख सकते हो पूरा फैला हुआ है, सब सरिया के रखने का है। और इधर कुछ कपड़े निकले हैं, दे दूंगी इसे किसी को, किसी का भला हो जाएगा। किचन वगैरह भी आज क्लीन करी हूँ और थोड़े बर्तन वगैरह धोने के हैं, ऊपर क्लीन कर चुकी हूँ। और भी अभी बहुत सारे काम बाकी है, इधर मैंने पूरा क्लीन कर दी बहुत अच्छे से। गाइस आप देख सकते हो बहुत तेज बारिश हो रही है, देख सकते हो रोड में कितना बारिश हो रही है। बहुत तेज हवा बारिश, आज तो मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तो गाइज हमने फिर से ऑर्डर किया था अमेजोन से वॉल पेपर और अभी हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो गाइज हमने अमेजोन से फिर से वॉल पेपर ऑर्डर किया और अभी मम्मा और मैं मिलके लगा रहे हैं। मैं मम्मा की हेल्प कर रही हूँ, बाकी सब मम्मा ही लगा रही है। अभी मम्मा प्रॉपर मेजरमेंट लेके लगा रही है, पिछली बार हमने अच्छे से नहीं किया था। ये देखो हमने इतना कर लिया है, अभी मैं पूरा करके आप सभी को दिखाऊंगी मैं और मम्मा मिलके। ये देखो बिट्टू गाइस आप देख सकते हो, मतलब जो थोड़ा अधूरा था उसे मैंने पूरा कर दिया। देखिए अभी ऊपर और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा लग रहा, बचा भी है अभी, कैसे मैनेज करें उसको, उधर बैग टंगाने के लिए तो खिल्ला भी है अभी इसको हटा देंगे। बहुत अच्छा लग रहा लेकिन ये है ना यार। और ये मेरा सीजर लेके रखी बेटी, लो इससे। हाँ, मुझे दिखा। अरे बा रख दो। तो गाइस रात के टाइम पे बहुत पटाखे फूट रहे थे तो मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट कर ली। आप देख सकते हो इतने पटाखे फूट रहे थे, पता नहीं किस खुशी में। खैर ये आप देखिए। बना रही हूँ रोटी, आज सही बना के नहीं सोई थी मैं, तो मुझे अभी बनाना पड़ रहा। सब्जी नहीं बनाने की है, सब्जी कोई नहीं खाता, हमारे घर में सब दही के साथ ही खाते हैं रोटी, दूध भी कोई नहीं खाता, सबको दही के साथ ही अच्छा लगता है। तो चलिए सहरी बना लेती हूँ, बच्चे उठे नहीं है, चलिए पहले सहरी बना लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। लाइट चली गई, सहरी का वक्त हो रहा और लाइट चली गई। तो गाइस यहाँ मेरी सानू कर रही है सहरी, दही और रोटी। कौन है वो अरिबा? वाह अरिबा का दोस्त है, दोस्त है बेटू। अल्ले वाह अल्ले वाह अल्ले वाह। गुड़िया रानी कहाँ है? तो गाइस आप देख सकते हो अरिबा खुद को कैसे करके रखी है। अरिबा अरे अरे वाह, जरा हाई कर दो बेटा। ये क्या है? मेरी डॉल है। तो गाइस माशाल्लाह से दस्तरखान लग चुका है। हाँ बेटा बोलो। अरे वाह, आज का रोजा कैसा गया बेटी? अच्छा।
भूख लगी? चलो अच्छी बात है। तो गाइज यहाँ बना रही हूँ मूंग मसूर की दाल। रात के खाने का टाइम हो रहा, रात में आज बहुत लेट हो गई, मैं खाना बनाना बहुत लेट हो गया है क्योंकि इतनी थकावट हो गई है ना, घर में काम लगाओ तो इतनी थकावट हो जाती है ना, साफ सफाई को लेके इधर क्लीन करो उधर क्लीन करो, पूरा घर क्लीन कर करके रोज रोज इतनी थक जा रही हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ, इसलिए खाना बनाना बहुत लेट हो जा रहा है मेरा। खैर अभी दाल बनाई हूँ, चावल बनाऊंगी और कुछ नहीं बना सकती, मैं इतनी थक गई हूँ। देखती हूँ दाल चावल अचार वगैरह खाऊंगी या चटनी वगैरह कुछ बना लूंगी, तो ऐसा है। हाँ बेटू अभी मैं पूरा उधर ऊपर का सीढ़ी वीढ़ी सब अभी धोई हूँ क्योंकि थोड़ा काम बाकी था, वो आज मिस्त्री लोग आके किए हैं और फिर अभी बहुत सारे काम बाकी है, तो अभी बहुत थकना बाकी है। यहाँ बना लिया है चाय, रोज़ा खुलने के बाद चाय नहीं पी थी मैंने क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं और उतने सारे बर्तन धोते धोते बहुत टाइम हो गया था, तो अभी अरीबा को सुला के सोची पहले थोड़ा चाय पी लूँ, थोड़ा चाय पी लेने से ज़रा अच्छा लगने लगता है, तो ऐसा है। चावल निकाल के रखी हूँ, अभी चावल बनाने की है। चलिए तो फाइनली चाय बन चुकी है, थोड़ा धीमी आंच करके थोड़ा ऐसे अच्छे से पका लेती हूँ तो चाय बहुत अच्छी लगती है स्वाद में। चलिए चाय पी लेते हैं, चाय भी पी लेती हूँ और आपको अपनी ईद की ड्रेस भी दिखाती हूँ। बट एक मतलब बहुत ये हो गया कि ड्रेस तो ली मैं, बट इतने घर में काम थे कि सिलाने को दे नहीं पाई और अब कोई टेलर लेने को राजी नहीं है, तो पता नहीं मैं ईद में क्या पहनूंगी, तो ऐसा हो गया है। बट थोड़ी टेंशन में आ गई हूँ, बट देखती हूँ क्या होता है। सारे टेलर के पास इतनी गर्दी रहती है ना फ्रेंड्स, कि मैं आप सबको क्या बताऊँ, बहुत सारे टेलर को पूछी कोई लेने को राजी नहीं, और जिससे हम लोग सिलाते थे, एक मिनट हाँ कुकर को जरा बंद कर दूँ, और जिनके पास हम लोग सिलाते थे उनके भी पास खाली नहीं है, वो भी बहुत बिजी है, उन्होंने भी लेने से मना कर दिए, तो शायद रेडीमेड लेना होगा ऐसा ही कुछ, देखते अभी क्या होता है। अभी आज कितना रोज़ा हो गया, शायद 24-25 रोज़ा हो गया होगा, तो देखते अभी 3-4 दिन टाइम है अपने पास, तो देखते अभी क्या होता है। फिलहाल चलिए मैं आपको अपना ड्रेस बताती हूँ। हाँ बेटी जरा फैन कम कर देना, उसकी बहुत आवाज़ आती है। एक में करते क्या आप, कितने में है? ठीक है चलिए दिखाती हूँ। तो ये रही वो सूट, काश ये सिला जाता तो बहुत अच्छा लगता, वैसे इसमें रेड दिख रहा है बट ये रेड नहीं है, तो इस तरह से है और बहुत अच्छा मुझे ये ड्रेस लगा, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा ये कलर, ये देखिए पूरे में इसी तरह से है, ये देखिए। आपको कैसा लगा मेरा सूट ईद का बताइएगा, अल्लाह जाने अब तो नहीं सिला रहा बट ये है तो ईद का ही, तो ऐसा है पूरे ड्रेस में इसी तरह से वर्क है, और ये है इसकी इसका दुपट्टा, इसमें भी पूरा वर्क है। मेरे को लगा कि मैं पूरा भरा भरा पहनूंगी ईद में बट नहीं हो पाया, अभी भी टाइम नहीं है बट क्या कर सकते, बहुत बिजी हो गया इस बार का रमज़ान ना, बहुत ही ज़्यादा बिजी गया है, तो ऐसा है। आपको हमारा ईद का ड्रेस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइज ये वीडियो कल से चल रहा है और अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, तो ठीक है फ्रेंड्स बाय, अल्लाह हाफिज़। और 1 मिनट ये देखिए हमारी दीवार कैसी लग रही है, वॉलपेपर लगाई हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको हमारी दीवार कैसी लगी, तो ऐसा है।